तो बाकी सियासतदानों की नस्बत वकला कम्यूनिटी खान साहब के ज्यादा करीब है तो क्या इन अलैक्शन में आम सियासतदानों की बजाय वकला को ज्यादा टिकट देने का इम्कान है आ, खान की ख्वाहिश ये नज़र आ रही है हमें पंजाब की हद हाँ तक खान साहब ये समझते हैं कि शायद वकला जो हैं वो डट जाएंगे और अगर हमारे उम्मीदवारों को उठाया जाने लगा तो वकला जो हैं क्योंकि उनके पीछे बार एसोसिएशन है बार कौंसल हैं फिर अदालतें भी वकला का क्या, खास ख़ास ख्याल करती है आ, वो ही उनकी ये समझ है मेरी ज़ाती समझ ये है कि मैं तो ये समझता हूँ कि वकला ने कौम को भी मायूस किया है और मेरा ख्याल है यही वक्त था कि वकला जो हैं रूल अफला के साथ उठ खड़े होते हैं यही वक्त था और ये बुनियादी काम हैं वकला का बार एसोसिएशन जो हैं अपने अजला तसीलों टाउन्स बड़े शहरों में अपने लोगों के हकूक़ के निगाहान होते हैं किस तरह जो हैं पूरे मुल्क में लोगों के हकूक के साथ किलवाड़ खेला गया लेकिन बार जो हैं वो अपना रिवायती तारीखी किरदार अदा न कर सके अगर बारे लोगों के हकूक़ के लिए कड़ी होती मजाल हैं कि लोग अफवाह होते लोग घरों से उठाए जाते इतनी फिस्त होती खान साहब ने गौहर ख़ान साहब को इस उहदे के लिए क्यों चुना क्या वो फ्रंट पे आके पार्टी को लीड कर सकेंगे जिस तरह खान साहब किया करते थे जो मुझे ज़ाती तौर पे नज़र आ रहे हैं दो तीन वजूहत जिसने शाहिद खान को जो हैं वो इस पर माइल किया वो नंबर एक ये हैं कि गौर खान हमारी टीम में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त वाला आदमी है तह, तहमुल रखता है सॉफ्ट स्पोकन है अमेरिका से पढ़ा लिखा है बैरिस्टर हैं यूके से पढ़ा है और बड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है खान के साथ बहुत इंटरेक्शन इनकी हुई बातचीत में लेकिन अमली तौर पे जिस तरह ग्राउंड में आप नज़र आते हैं जिस तरह लोगों को चार्ज कर रहे हैं क्राउड को जिस तरह वोटर को बाहर निकाल रहे हैं गौर खान साहब तो हमें ऑन ग्राउंड कहीं नज़र नहीं आते गौर खान साहब का वक्त आएगा ना अभी तो ये वो वक्त हैं ये वो लम्हे हैं जिनमें हम अपने चेयरमैन को मुलविस नहीं करना चाहते हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन पे पर्चे हो वो नजर आए कि वो मोटरसाइकिलों पे भाग रहे या वो बहुरूपदार रहा है ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से आप इसको किस नजर से देखते हैं इस मुल्क में हो क्या रहा है यानी कि अभी एनटायरम पे आप ये आर्डर कर रहे हैं कि जी ट्रायल चलाते जाएं यानी प्रैक्टिकली तो आपने उस फैसले को अनडू कर दिया ये इंजेक्शन जो जारी हुआ है 41 के रेषो से तो जब सुप्रीम कोर्ट जैसे आला अदारे से ऐसे फ़ैसले आएंगे तो फिर वो ग़लत एफ़ आई आर करने वाले सिपाही थानेदार आई जी या डी आई जी से तो गिला ही नहीं है जिनका काम लोगों के हकूक़ का तहफ़ करना है जो आइन के तहत गारंटर हैं लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के और जिसका इन्होंने अल्फ़ उठाया हुआ है जब वहाँ से ऐसे फ़ैसले आएँगे तो इस मुल्क में तवईफुलमलूकी जो हैं वो नई मचेगी तो क्या रहेगा काजी फायद इस हिसाब से आपकी क्या उम्मीदें हैं वो अदलिया में किस किस्म की असलाहत मुतारफ करवाएंगे क्या पेशीन गोई अभी अभी तक जो इसका किरदार रहा है फैसलों के हवाले से वो इंतहाई एक अच्छे मुनसिफ का रहा है खान साहब जो हैं वो नाखुश हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारी पेशर से और हम मजबूर हैं मैं अब ये समझता हूँ कि जो हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में जितनी खान के फैसलों में तखिर होगी उतना ही हमारा अहतमाद जो है वो कम होता जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस आदमी को हमने आइडियलाइज किया है फाइजीसा को वो उस पर हमारा अहतमाद कम हो आप यकीन करें अब भी मैं सबको कहता हूँ कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है वो कादिफ़ा जीसा साहब एक मज़बूत चीफ जस्टिस की ज़रूरत है पाकिस्तान को और उनको ये नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। मुख्तल इलाकों से आए हुए तहरीक इंसाफ के कारकुनों के हल्कों के सियासी मसाइल सुने और उनके हाल तजवीज किए पंजाब के पी के और बलोचिस्तान से आए हुए वफूद से मुलाकात की कन्वेंशन और जलसों के हवाले से पार्टी हमत अमली पर रहनुमाई दी के लिए रवाना हुए खान साहब ने पूरे मुल्क में आवाम को मोबिलाइज करने के लिए इलेक्शन कैंपेन शुरू करने के लिए जो आपको जिम्मेदारी सौंपी है ये आप ही को क्यों सौंपी गई क्योंकि बकाया लीडरशिप तो गिरफ्तार हैं प्रेसिडेंट अंदर हैं वाइस चेयरमैन साहब अंदर हैं तो इसके बाद वाइड में ही बचता था लीडरशिप में कि मैं दूसरी बात यह मुश्किल काम है और उसके लिए खान की विजडम को चैलेंज नहीं किया जा सकता है मुश्किल काम के लिए मुश्किल लोग सेलेक्ट होते हैं आई एम अटर इतनी बड़ी कैंपेन कर रहे हैं तो क्या उसके लिए पार्टी फंड करती है अपनी जेब से लगाते हैं क्या आप इतने अमीर हैं कि आप ये सारे खर्चे उठा लें अभी तक जो कैंपेन हम कर रहे हैं कन्वेंशन ये सब मैं अपने खर्चे पे कर रहा हूँ पार्टी के पास फंड्स नहीं हैं और अगर होती भी तो शायद मेरी अहमियत ये गवारा न करती कि मैं पार्टी के आगे हाथ बढ़ाता तो जहाँ तक मेरे बस में होगा आ, मैं अपने जेब से अदा करता रहूँगा खान साहब के केसेस भी आप लड़ते हैं तो खान साहब आपको फीस देते हैं केसेस की पाकिस्तान तहरीक साहब की तमाम लीडरशिप केसेस के लड़ने का मुझे एजाज है और हर अदालतों में सुप्रीम कोर्ट तक लेकिन केसेस क्या फीस क्या हम इनसे तलब करें ये तो हमारे लिए हम इसको एजाज समझते हैं शेर अफजल मरवत से गुफ्तु का सिलसिला जारी रहा इलेक्शन में जो भी नतए जाए क्या पीटीआई उसको कबूल करेगी ऐसे हालात में अगर इलेक्शन होते हैं जो आज हम पे नाफिजलमल हैं तो फिर तो ये इलेक्शन नहीं है ये तो जबर हैं और इससे कराहिएत आएगी और ऐसे इलेक्शन के नतीजे में कोई भी हुकूमत आ, किसी भी अखलाकी या कानूनी जो सेंकशन है वो उसको हासिल नहीं होगा क्या आपका अपना इलेक्शन लड़ने का इरादा भी है आ, मैंने पहले भी अर्ज किया मेरा अपना इलेक्शन लड़ने का ज़ाती तौर पर कोई ख्वाहिश नहीं है कल भी मैंने ख़ान साहब को जो है गुजारिश की कि मैं इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पूरी पार्टी की कम्पेन करूँ दूसरी बात यह है कि मैं उन खदशात को भी ज़ायल करना चाहता हूँ और जिस जो पार्टी के अंदर लोगों के होंगे कि शायद ये पार्टी में कोई मकाम हासिल करना चाहता है वजीर बनना चाहता है जो मेरे इरादे नहीं है मैं अपने वकालत से बहुत मतमिन हूँ अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ परवेज खटक साहब कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन में के पी में वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे क्या वो वहां पर पी टी आई को टफ टाइम दे सकते हैं अभी तक तो वो बड़ा पलीदी किरदार अदा कर रहे हैं टफ टाइम जो है उनकी गुबारे सेवा निकल चुकी है परवेश खटक खुद अपनी सीट जो है वो नहीं जीत सकता